के मांग की सिंदूर रेखा तुमसे ये पूछे कि कल यूं मुझे मन के भाव को एक उदात्त वेग देने वाला है। मैं सभी कविगणों से सादर अनुरोध करता हूं, कृपया आपके लिए नियत स्थान पर विराजित हो। हालांकि ये हमारी पत्रकार जीत का, लेकिन आपसे बड़ा पत्रकार कौन होगा। पत्रकार का लेखन तो हमारे बीच हो चुकी है, उनमें परम सम्मान नहीं है। बिखेरने वाले गीतों की लड़ी पिरोते हैं। बाराबंकी से जो पधारे हैं प्रियांशु गजेंद्र गीतकार हमारे बीच, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। डरावना हो गया था और मन में हम शंकित थे कि न जाने क्या होगा, लेकिन कहते हैं कि भावनाएं हमारी शुद्ध हो, अच्छी हो, तो प्रकृति भी अनोखा वासियों के हृदय में जीवन दर्शन का भाव भरने के लिए आज पुनः उनका शुभागमन हमारे मध्य होगा। डॉक्टर कुमार विश्वास एक ऐसे हिंदी जगत के सूर्य हैं जिनकी रश्मियों से सारा का सारा जो हिंदी जगत है वो दीप्यमान है, आलोकित है। मैं सभी श्रोताओं का नगरपालिका मंडल की ओर से, आयोजक मंडल की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आप आज के इस रात को मधुरिम बनाने के लिए हंसने हंसाने गुदगुदाने जो अपने अंदर की पीड़ाओं का ज्वार कम करने के अद्भुत रूप है। हमारे बीच परम सम्माननीय श्रीमान कन्हैयालाल जी झंवर, ये जितना भी नोखा का विकास, लोगों के प्रति जो सदाचारपूर्ण भावनाएं हैं वो दिखाई दे रही हैं, वो माननीय कन्हैयालाल जी झंवर और उनके स्वरूप में हमारे बीच श्रीमान ईश्वरचंद जी बैद श्री जैन आदर्श सेवा संस्थान के अध्यक्ष, आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। अपने राम की जो दिव्य श्रृंखला के माध्यम से राम के औदात्य को जिन्होंने प्रतिपादित किया है, जो रामायण और रामचरितमानस केवल पूजी जाती थी उनके पन्ने अब खुलने लगे हैं, और ये विश्वास दिया है डॉक्टर कुमार विश्वास ने। भीलवाड़ा में अपने अपने श्याम श्रृंखला के माध्यम से मुश्किल होगा, इसलिए आप जिंदगी से जिया वो अपने आप में अद्भुत था। और आज अब हम देखते हैं कि डॉक्टर कुमार विश्वास हिंदी जगत के विश्व के सर्वश्रेष्ठ विख्यात कवि माने जाते हैं, जिनको सुनने के लिए लोग तरसते हैं, और ये हमारा सौभाग्य है कि हम उनको 5, 10, 20, 50 फुट की दूरी से उनके सामने होंगे, उनको देखेंगे आंखों में आंखें और भाव भंगिमाएं, क्योंकि उनका चेहरा आगे हैं, तो हम पूरा मन और हृदय की भावनाओं के साथ उनका आदर, उनका अभिनंदन, क्योंकि आज का ये कवि सम्मेलन अपने आप में अद्भुत, अपने आप में औदात्य से परिपूर्ण और मन और हृदय में नवांकुर बीजांकुर हम सबके हृदय में शब्द और भाव के देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं डॉक्टर कुमार विश्वास। स्तब्धता निश्चित रूप से तालियां बज रही है, तथा डॉक्टर साहब पधार रहे हैं हमारे बीच। आप सभी जिस शिद्दत से बैठे हैं उसी मन बना करके और आज के पूरे कार्यक्रम का आनंद लीजिए। सभी कवि अपने अपने क्षेत्रों में सिद्ध हस्त कवि हैं, अपनी कविताओं के माध्यम से अपने काव्य और अपने कलेवर और तेवर देख करके हमें आज अंदाज होगा कि आज हमने जिन कवियों को बुलाया है निसंदेह वे भारतीय स्वर्णिम भविष्य को प्रगति और उत्कर्ष में ऊर्ध्वगामी रूप में आगे बढ़ाने वाले कविगण हैं। बोला शिव जी सुन बहुत देर से दर पे आंखें लड़ी थी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। हमारे बीच विश्व के
सुविख्य और मुख्य कलाकार कवि सम्माननीय डॉक्टर कुमार विश्वास पधार चुके, एक बार जोरदार घनघोर तालियों से डॉक्टर साहब का हार्दिक अभिनंदन करें, स्वागत करें। ये लोखा का परम सौभाग्य है कि हमारे बीच सम्माननीय डॉक्टर कुमार विश्वास पधारे हैं। मैं प्रणम्य भाव से उनको प्रणाम करता हूँ। मेरा निवेदन, मेरा निवेदन सम्माननीय योगेंद्र शर्मा जी से, सम्माननीय बुद्धि प्रकाश जी दाधीच, सम्माननीय दिनेश बावरा जी, सम्माननीय प्रियांशु गजेंद्र, सम्माननीय राजकुमार बादल जी, सम्माननीय भुवन मोहिनी जी, चेहरे पर तैरती अधर मधुर मुस्कान ने इतने समय से डॉक्टर साहब जो इंतजार कर रहे थे, सारी थकान आपकी एक स्मित एक मधुर मुस्कान ने सबकी हंसी चेहरों पर लबों पर ला दी है। आपको बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। डॉक्टर कुमार विश्वास, विश्वास नाम जुड़ा हुआ है, लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि डॉक्टर कुमार विश्वास आए हैं। ये हमारा नोखा का सौभाग्य है कि दूसरी बार डॉक्टर साहब का आगमन हमारे बीच हुआ है। सभी कवि गणों का से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, कृपया एक बार जोरदार तालियों से सभी कवियों को समवेत स्वरों में तालियां बजाकर अभिनंदन करें, स्वागत करें। हमारे माँ वीणा पाणी का स्तवन करें, सबसे पहले माँ का आशीर्वाद ले मैं निवेदन करना चाहूंगा। दीप प्रज्वलन के लिए सम्माननीय श्री कन्हैयालाल जी झंवर, सम्माननीय डॉक्टर कुमार विश्वास जी, सम्माननीय रामरतन जी चौधरी ईओ साहब, सम्माननीय नारायण जी झंवर, निर्मल कुमार जी भूरा, आलोक सिंह जी, सम्माननीय सीओ वृत्ताधिकारी पुलिस संजय जी बोधरा, सम्माननीय पीयूष पारक जी, रामलाल जी पारक, ईश्वरचंद जी दुग्गड़, कर्णिदान जी राठी, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपकी खामोशी मुझे बहुत अच्छी लगी। पीछे बहुत सारे दोस्त खड़े हैं और एक लंबी टीम है, देर लगेगी तो आप अगर बैठ जाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मैं, मुझे लगता है बुद्धि को याद होगा शायद 5 वर्ष बाद आया हूँ, कितने 18 में आए थे तो कोरोना में, 20 में तो मैं कहीं नहीं गया था, कोरोना था, घर में ही बंद था, करीब 20 में आए थे चरण जी कह रहे हैं, लेकिन 5 वर्ष बाद आया हूँ। और थोड़ा संकट ये हो गया कि मैं इसी भ्रम में रहा कि बीकानेर की फ्लाइट पकड़ूंगा और 1 घंटे में नोखा पहुंच जाऊंगा, बाद में पता चला कि एयरपोर्ट बंद हो गया है और जोधपुर जाना पड़ेगा। मैं जोधपुर आया और जोधपुर से यहाँ 3-3.5 घंटे में आकर पहुंचा, तो थकान भी है और लेकिन आप सब लोग जितनी देर से जितने अच्छे से मन से बैठे हैं, आप सबको देख के प्रसन्नता हो। विशेष रूप से ये जो मेरी बेटियाँ, हमारी भाभियाँ, हमारे परिवार की लड़कियाँ बैठी हैं, माएँ बैठी हैं, आप सबको देखकर बहुत अच्छा लगा कि आप सब यहाँ पर हैं। जब मैं राजस्थान आता हूँ, घाघरा लुगड़ी देखता हूँ तो मुझे लगता है ससुराल आ गया, क्योंकि आप सब जानते हैं कि मेरी शादी जो है वो मारवाड़ियों में हुई है, अजमेर में ससुराल है मेरी, तो मेरे को ऐसा लगता है कि परिवार में तो उत्सव है, किसी साली की लड़की की, साले की लड़की की शादी है और इस बार थोड़े ज़्यादा बराती इकट्ठे हुए हैं ऐसा लगता है। लेकिन बहुत अच्छा जमर साहब को बहुत, तुम खड़े ही रहोगे कितने, क्या अद्भुत चेयरमैन है, एक ही टांग पे खड़ा है, इसे कहते हैं एक टांग पे खड़ा हुआ नेता, कहते नहीं हमारा नेता एक टांग पे खड़ा रहता है, लेकिन ये लोकप्रियता है। और शुभकामनाएं, इन कवियों से आपका परिचय हो गया, मेरा मन है कि इनमें से कुछ को आप जानते हैं, कुछ का विधिवत परिचय होना चाहिए इस कवि सम्मेलन में। मेरा मन था कि मेरा बहुत प्रिय छोटा भाई और देश का एक यशस्वी संचालक बुद्धि प्रकाश दाधीच इसका संचालन करें, लेकिन उसका कहना यह था कि वो यहाँ स्थानीय है, रोज ही आता है। आपका भी अगर ऐसा ही कहना हो और आपका भी ऐसा ही मन हो तो मैं चाहूँगा कि बुद्धि प्रकाश इसका संचालन करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं थोड़ा चाहता था कि आराम से बैठा, देर तक सुनाऊं, देर तक सुनूं, लेकिन बहुत अच्छा। एक तो चारण साहब, मैं आपको बहुत शुभकामना दूंगा, आप आयु में छोटे से आशीर्वाद दूंगा,
हमसे पहले के जो संचालक होते हैं वे भाषाई स्तर पर इतने समृद्ध और इतने प्रांजल नहीं होते, उनका वाक कौशल इतना महत्वपूर्ण नहीं होता, लेकिन जिस तरह से आपने संचालन किया, जो मैंने आपकी भाषा सुनी, इसके लिए मैं आपको बहुत शुभकामना देता हूँ। और मेरा ये कवियों से अनुरोध है कि इनमें से कई कवि, मैं ये नहीं कहता कि सब अच्छे नहीं है, सब बहुत अच्छे कवि हैं, इन्हें भी कुछ सीखने की ज़रूरत है। केवल इसलिए नहीं कि हम बाहर से आए हैं या हमने मानदेय बढ़ा लिया है, इसलिए हमारा मान ज़्यादा हो, जिसका ज्ञान ज़्यादा है उसका भी मान होना चाहिए। एक बार इनके लिए ज़ोरदार तालियां बजाइए आप। और मैं जब जब यहाँ आता हूँ, बीकानेर में आता हूँ, तो मैं बड़ा भावुक हो जाता हूँ, चूँकि पास में करणी माता है, देशनौक है, और हम सब कवि, अभी जैसे उन्होंने मुझे बताया कि मेरा नाम फला चारण है, तो मैंने उनसे कहा कि आप हमारे गोत्र के हैं, हो सकता है हमारी जाति अलग हो, लेकिन हम भी माँ भारती के चारण हैं, हम भी इस राष्ट्रदेव के चारण हैं, काम हमारा एक ही है। तो जो चारणों का काम था कि वे अपने महाराज को, अपने लोक प्रशासक को, उसके लोक दायित्वों के प्रति मुखर भाव के साथ जागृत करते थे, और अगर समरांगण में असी चलाने का काम मिले, तलवार चलाने का काम मिले, तो अपने सम्राट के साथ, अपने राजा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलाते थे, वही काम हम कवियों का भी है। मैं इधर से आपका परिचय कराता हूँ। कोने में राजकुमार बादल बैठे हैं, ये भीलवाड़ा जिले से हैं। बहुत सारे लोग, मैं चूंकि मेरी आयु ज़्यादा हो गई है, 35 वर्ष मंच पर हो गए, तो बहुत सारे जो पीछे आए हुए लोग हैं वो पैर छूते हैं, उनमें से कई लोग गुरु जी बोलते हैं, लेकिन ये सचमुच का शिष्य है। जब मैं 1995 में शाहपुरा PG कॉलेज में पढ़ाता था, असिस्टेंट प्रोफेसर था, तब ये वहाँ डाइट में पढ़ता था और हमारी क्लास पढ़ने आता था, लेकिन आज सुख होता है कि उसकी लोकप्रियता और सहजता बहुत ज़्यादा है, मैं उसे बहुधा नहीं मिल पाता हूँ, मेरा बड़ा प्रयास रहता है कि मैं उसे मिलूं। वो हमारे यहाँ इस वरीयता क्रम में सबसे छोटा कवि है, इसलिए मेरा आग्रह है कि सबसे ज़्यादा दुलार की तालियाँ आप उसके खाते में डालें, राजकुमार बादल के, बहुत प्यारा कवि है। जब वो बरसेगा तो आप उसकी छटा देखिएगा। योगेंद्र जी बहुत प्रांजल राष्ट्रधर्मिता के कवि हैं, चेतना के कवि हैं। इस देश में वीर रस के कवि तो बहुत हैं, पर वीर रस के आदमी कम हैं, जिनका आचरण भी वीर रस का हो, जिनका आचरण भी राष्ट्रीय हो, जिनके चरित्र में वही शुचिता हो, वही मर्यादा हो जो वीर रस के शब्द उच्चारण करने के लिए कवि के मध्य होनी चाहिए। आप उनके भाल पर तिलक और उनकी शिखा देखकर ये अनुभव कर सकते हैं कि उनके चरित्र में भी वही है जो उनकी जिव्या पर है। ऐसे समकारी कवि के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। बड़ी प्रसन्नता होती है। रहीम दास जी का एक दोहा है कि जैसे, उसका अर्थ यह है कि अपने ही सम्मुख किसी का यश अपने से अधिक देखकर ऐसी प्रसन्नता होती है, जो बड़ी अखियां निरख अखियन को सुख हो। तो हम, हो सकता है कि हमें अमेरिका में न्यूयॉर्क के किसी चौराहे पे, टाइम स्क्वायर पे कुछ लोग पहचानते हों, हो सकता है दिल्ली में लोग पहचानते हों, लेकिन नोखा के और इस पूरे राजस्थान के, इस मारवाड़ के, मेवाड़ के, हाड़ौती के बच्चे बच्चे की जुबान पर जिस एक कवि की कविताएं और उसका हास्य, उसके ठाके इतने पैबस्त हो गए हैं कि वो जनरंजक कवि के रूप में ख्याति प्राप्त कर गया है, ऐसे बुद्ध प्रकाश दाधीच के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप स्वागत करें। बहुत उन्हें शुभकामनाएं और आशीर्वाद। एकमात्र कवियत्री भुवन मोहिनी जो मालवा से आई हैं, मूलतः ये भी राजस्थान की है, और ये इनकी शादी इंदौर में हो गई, मालवा में हो गई, लेकिन है राजस्थान की, मेवाड़ की हैं, उदयपुर की हैं, और देश में बड़ी लोकप्रिय हैं, रस की धार इनमें बहती है। इस लड़की ने 2 बार PhD की, पहले इसने हिंदी में PhD की, फिर जब इसकी नौकरी नहीं लगी तो क्यों नहीं लग रही है जानने के लिए इसने ज्योतिष में PhD की, हाँ 2 बार करी, और जब वो भी नहीं हुआ तो फिर ये कवि सम्मेलन में आ गए। तो इसके लिए दुगनी तालियां बजाइए क्योंकि इसने 2 बार PhD की। मुंबई से हमारे बीच एक कवि आए हैं जिन्हें अक्सर आपने चैनल्स पे देखा होगा, लाफ्टर में, कॉमेडी सर्कस में कई बार आते हैं, गिरीश बावरा जी, कई बार आधी रात डिस्कवरी में भी आते हैं, वो इस मंच पर बैठे कितने सुंदर लग रहे हैं, कितना सुंदर कुर्ता है, दुपट्टा मेरा है, इसके लिए मैं इनको बहुत बधाई देता हूं। हाँ, सुबह मैंने डाल रखा था वो माथुर के साथ और बिज्जू बनर के साथ, फोटो मेरा इसमें ही है, और इन्होंने वो एयरपोर्ट पर जब मिले इन्होंने मुझसे ले लिया, छीन लिया, लेकिन अच्छा है, आज इनके दुपट्टा भी जमेगा और ये भी जमेंगे। तो ये सबसे दूरी से आए कवि हैं, बम्बई से आए हैं। इसे देखो, इसे कहते हैं जुगाड़। बम्बई का आदमी जुगाड़ी होता है। हर कवि आया, सारे सोफे खाली थे,
सब अपनी अपनी जगह बैठ गए। इसे पता था कहां बैठने पर। ये बंबई का आदमी है, इसको पता है कि लक्ष्मी कहां है, क्योंकि वहीं समुद्र में अपने पिताजी के घर में ही लक्ष्मी बैठती हैं, तो इसे पता था कहां बैठना। ये तेज आदमी है, एक बहुत प्यारा भोला सा कवि है। मेरा मन था जब मुझे कहा जबर साहब ने कि नारायण जी ने कि सर टीम कैसे बनेगी, कौन आएंगे, तो मैंने उन्हें अवध का एक कवि सुझाया जिसको मुझे सुनने का मन था। बहुत सारे कवियों को हम आपको सुनवाते हैं, कुछ कवियों को हमें सुनने का मन होता है। आपने उसे चैनल्स पे सुना होगा, यूट्यूब पे सुना होगा, लेकिन एक प्यारा सा मीठा सा, और मुझे लगता है कि इस कवि का लखनऊ से आना, जो तहजीब और अदब की जगह है, वो यही आना ठीक था। मारवाड़ में गजेंद्र प्रियांशु सबसे ज्यादा दूरी से आया है। दोनों हाथ उठा के बड़तालियां बजा दिया, तू बहुत सही जगह पर आया बेटा, ये बड़ी तहजीब की जगह है ये। पूरे आप देखो पूरे मारवाड़ में, आज ही सुबह मुझे एयरपोर्ट पे यहाँ के कई नेता मिल गए थे, लॉबी में थोड़ी देर लग गई, असम के चीफ मिनिस्टर साहब उतर गए थे तो उनसे बात करने में देर हो गई, तो उनको कोई बता रहा था कि साहब ये इतनी पवित्र जगह है पूरा ये मंडल, कि यहाँ इतना आदर करते हैं, हर बात के पीछे सा, आओ सा, बैठो सा, आरोगो सा, पधारो सा। तो उन्होंने मुझसे पूछा, असम के मुख्यमंत्री ने, आप क्या भी ऐसा ही बोलते हैं क्या? मैंने कहा जी हम मेरठ से आए हैं, हमारे यहाँ भी हर बात के पीछे सा लगाते हैं, साथ में ला भी लगाते हैं। ये कल समझ में आएगी तब तालियां बजाना, कोई जल्दी नहीं आ रहा। लेकिन ये लखनऊ से आया है, जो तहजीब की जगह है, ये आज की टीम है। मेरा नाम कुमार विश्वास है, आपकी आंखों में थोड़ी लज्जा और हाथों में शक्ति शेष हो तो एक बार मेरे लिए भी तालियां बजा दीजिए। ये चेयरमैन साहब रामसा पीर की पदयात्रा छोड़ के आए हैं और फिर दोबारा जाएंगे। आप यकीन मानिए हम इस रात में आपको यह अनुभव कराएंगे कि आपने किसी लोक देवता की। एक छोटा सा निवेदन और कर दूं, जो पीछे मेरे जवान भाई खड़े हैं और जो कुछ इस दीवार पर बैठ गए हैं, काफी ऊंचाई पे बैठे हैं, देखो आप, ये वो लड़के हैं जिन्हें गली में पता होता है कहां से ताड़ने पे दिखेगी, असली वाले बेटा। हम भी कभी तुम्हारे जैसे थे, अब तो क्या कहें, अब तो तभी दिखती है जब रक्षाबंधन पे आती है। लेकिन एक कस्बा, एक मंडी बड़े दिव्य पुरुषों ने, पारिक जी ने और हमारा साहब के माध्यम से बसी और आज साहित्य की एक नगरी बन गई है। एक छोटा सा निवेदन आपसे कर दूं, उसके बाद कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं, वो ये कि मेरा बड़ा मन होता है कि मैं नोखा हूं, मेरा बड़ा मन होता है कि मैं देशनोक जाऊं। मेरे शुरुआती दौर के कवि सम्मेलनों में मैं करणी माता के दरबार में हर साल हाजिरी लगाने जाता था, कांदान कल्पित जी गीत सुनाते थे। हमारे कुछ साथियों ने सुना होगा कल्पित जी को, कुछ तालियां बजी हैं जिन्होंने सुना है। लेकिन अब व्यस्तताएं ऐसी हो गई हैं, व्यावसायिकता ऐसी हो गई है कि बजट नहीं हो पाता है, दूरियां हो गई हैं, और मेरी बड़ी इच्छा है कि अगले 2-4-5 वर्षों में मेरे लोग जो मुझे चलाते हैं वो मुझे मुक्त कर दें, आकर इस पर मोहर लगाना, ताकि मेरे साथ जो दिल्ली से टीम आई है, बंबई से टीम आई है, उसे जवाब मिल सके। मैं उनसे बार बार कहता हूं कि कलकत्ता में, मुंबई में, लंदन में, दुबई में धन कविता सुनता है और नोखा में मन कविता सुनता है। ये जो कच्चा मन है, ये जो अभी कस्बा आपके अंदर है, ये जो निरअहंकारता आपके अंदर है कि जैसे ही कार्यक्रम प्रारंभ हुआ तो आपके चेयरमैन ने यहाँ चप्पल उतारी और सामने अपने दोस्तों के बीच जाके बैठ गए, ये जो सामान्यता, जो मेरी माएँ बैठी हैं, जो बहनें बैठी हैं, ये सब बड़े बड़े धनाढ्य परिवारों के लोग हैं। उसके बाद भी हम सामान्य कवियों के लिए सामने इधर नगर के महत्वपूर्ण नागरिक बैठे हैं, पत्रकार मित्र बैठे हैं। मुझे याद है पिछली बार मैं आया था तो भाटी जी वहाँ बैठे थे, मैं उन्हें आज प्रणाम करता हूँ, उनकी स्मृति को मैं बहुत याद करता हूँ, मेरे प्रति बड़ा स्नेह और प्रेम और आशीर्वाद का भाव था उनके मन में। सो ये केवल इन छोटी जगहों पर, जिन कस्बों में हम पैदा हुए, वहाँ मिलता है। तो आप कृपा करिए कि हो सकता है कि आपने ये कविताएँ यूट्यूब पर सुनी हो सकता है कि आप इस सम्मोहन में हो कि ये आदमी तो अभी परसों टीवी पर देखा था, आज आया है। लेकिन इस सम्मोहन से बाहर निकलकर जब आप केवल और केवल कविता सुनने की मानसिकता में आ जाएंगे तो मैं आपसे दावा करता हूं कि आज भारतीय कवि सम्मेलन की
सबसे संतुलित, सबसे जमाऊ और कवि सम्मेलन और जनता के लिए सबसे हित में रहने वाली टीम आपने बुलाई है। इसको जाया मत करिए कि कवि को जहां अच्छा लगे वहां उसे समर्थन दीजिए, खामोश मत बैठिए, क्योंकि हम अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरे गुरु प्रवर स्वर्गस्थ डॉक्टर कुंवर बेचैन जी ने कहा था कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। जो मेरे लेफ्ट में लोग बैठे हैं वो ऐसे ही खामोश है, सिद्धेश्वर में लेफ्ट खामोश है, तो आप भी थोड़ा ध्यान दें, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। और ये जो महिला शक्ति है इनसे भी कहता हूँ, आपसे भी, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पांव पर भी चल रहे हैं लोग, चलने को एक पांव पर भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। तो आपका साथ रहे, चुनावों का समय है, राजस्थान में भयानक उपहारों की वर्षा हो रही है, आप लोग जिले हो कि नहीं बने, बन गए नहीं बने, बन जाओगे जिस तरह से बन रहे हैं। ये तो बुद्धि प्रकाश तो सचमुच किस्सा है, माउंट आबू में तो कहा था, सिरोही महोत्सव में, ये सिरोही महोत्सव में आया, रात को केकड़ी से ट्रेन में बैठा, रात को जब बैठा था तो तहसील से चला था, और सुबह सिरोही में उतरा तो जिले का आदमी होकर उतरा। अशोक जी जिस दिन आपका शोक दूर करना चाहेंगे आपको भी जिला घोषित कर देंगे। यहां किसी भी पार्टी पर कोई टिप्पणी करना कोई बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि अगला निर्दलीय है। कोई चिंता नहीं, और जो अगला चुनाव लड़ने जा रहा है उसमें भी निर्दलीय है, और इसको पता है कि मामला बराबरी का, पासंग में यही काम आएंगे, इन्हीं का मौका है राजनीतिक सलाहकार बनने का, क्योंकि निर्दलीय ही बनते हैं। हमारे लोडा साहब हैं संयम भैया, वो सलाहकार हैं। बताओ, सोनिया गांधी सलाह लेने के लिए अशोक जी को बुलाती हैं, और अशोक जी सलाह लेने को संयम लोडा को बुलाते हैं। तो ये मुझसे कहने लगा कि बहुत राजनीतिक कौशल होगा, मैंने कहा नहीं, निर्दलीय। तो हे निर्दलीय, तेरा भविष्य उत्तम, ऐसा माहौल है, आनंद है, अद्भुत प्रदेश है राजस्थान, तुमसे तो बहुत प्रेम है। और मैं आज कह रहा था अपने ऑफिस के लोगों से कि उत्तर प्रदेश के बाद जो दूसरा प्रदेश है जो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, मैं जिससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, वो राजस्थान है। क्योंकि किसी आदमी की जिंदगी में दो रिश्ते होते हैं, एक रोटी का और एक बेटी का। जब मैंने पहली नौकरी की तो राजस्थान ने मुझे पहली नौकरी दी, मैं पीलीबंगा में श्रीगंगानगर में इंदिरा गांधी मेमोरियल कॉलेज में पढ़ाता था, असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ, बाद में पब्लिक सर्विस कमीशन से सेलेक्ट होकर शाहपुरा भीलवाड़ा में नौकरी की और फिर भरतपुर में की। दूसरा संबंध होता है कि आप किसी के हाथ में अपनी कन्या का हाथ दे दें, वो भी सौभाग्य मुझे अजमेर से मिला, अजमेर ने कृपा की कि मेरे मुझ जैसे एक जिसे कहते हैं खाड़कू बैल को, जो दुनिया में घूमता फिर रहा था, उसके लिए खूंटा प्रोवाइड करा। ये पूछ रही थी मेरे से एक दिन भुवन मोहिनी, सर आप दिल्ली के और वहां से आपने शादी अजमेर में की उत्तर प्रदेश से आके, क्यों? मैंने कहा मैं इतिहास का विद्यार्थी था, बचपन से पढ़ता था कि अजमेर के एक राजा पृथ्वीराज चौहान उत्तर प्रदेश से हमारी एक लड़की संयोगिता को लेकर भागे थे। मुझे तभी से पता था कि खाता खुला हुआ है, बही में हिसाब बराबर होना आवश्यक है। ये तो प्रयास की बात थी, लेकिन आप लोग दया करते हैं, कृपा करते हैं, हम नोएडा में रहने वाले लोग, हम दिल्ली में रहने वाले लोग, मैं सदा आप लोगों को देखता हूं तो मुझे देवत्व दिखाई देता है, इतना छल, इतना छद्म, इतनी झूठी मुस्कुराहटें, इतना फरेब इन महानगरों में है, ऐसे इन कच्ची गलियों के सच्चे लोगों के बीच मैं आज खड़ा हूं। मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं, बरसों में मन बनता है मेरा, मन खोल के संचालन करने का और मन खोल के सुनाने का, जब घर से चला था तब नहीं बना था, अचानक बन गया है माइक पर आते हुए, से बनाए रखिएगा रात भर। महाराज गंगा सिंह जी जिनके कारण ये नगर है, क्या अद्भुत मुझे चित्र अचानक दिखा, क्या दोनों हाथ आकाश में उठाकर जोरदार तालियां बजाकर स्वागत है।
शब्द और स्वर की अधिष्ठात्री माँ वीणा पाणी को वंदन करती हूँ। बाबा रामदेव और माँ कर्णी का ये प्रदेश, ये माटी, इसकी रज को अपने मस्तक पर लगाती हूँ। मानस का बहुत पावन मंच नोखा नगर पालिका ने सजाया है, इस मंच को भी वंदन करती हूँ। माँ की वंदना का आदेश हुआ है, मंच पर जितने भी काव्य मनीषी हैं सभी को अपने क्रम का नमन करती हूँ। जिस मंच पर आदरणीय डॉक्टर साहब कुमार विश्वास जी की उपस्थिति होती है, वो मंच अपने आप में सफलता की आश्वस्ति लेकर बैठता है, उन्हें भी विशेष नमन करती हूँ। और एक विशेष प्रणाम आप सभी नोखा की सुधी श्रोताओं को करना चाहती हूँ, क्योंकि आज का जो ये आयोजन सजा है, ये आपके बिना बिल्कुल अधूरा है, बिल्कुल अपूर्ण है। या मैं यूँ कहूँ कि आज जो ये काव्य अनुष्ठान होने वाला है, काव्य यज्ञ होने वाला है, आप वे पवित्र संविधाएं हैं जो इस हवन को उत्कृष्ट और आकृष्ट बनाएंगे। माँ की वंदना का आदेश है, मैं माँ की वंदना करती हूँ, लेकिन मुझे एक बार आगे से पीछे तक के लोग दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाकर अनुमति दीजिए कि मैं माँ की वंदना कर सकूं। वंदना प्रारंभ करती हूँ और आपसे आस्था और चेतना का मन मांगती हूँ। जय हो शक्ति भगवती अग्निवत मधुमती सर्वशक्त स्वामिनी रसवती सरस्वती। जय हो शक्ति भगवती अग्निवत मधुमती जय हो शक्ति भगवती अग्निवत मधुमती सर्वशक्त स्वामिनी रसवती सरस्वती। व्याकरण व आचरण में आवरण विकास हो व्याकरण व आचरण में आवरण विकास हो शब्द के वितान पर अर्थ का प्रकाश हो शब्द के वितान पर अर्थ का प्रकाश हो। जय हो शक्ति भगवती अग्निवत मधुमती पुष्प की सुगंध को इस अकाल अंध को पुष्प की सुगंध को इस अकाल अंध को ध्यान दे कि लिख सके हर प्रबंध छंद को सांस के विशुद्ध क्षीर में तेरा विलास हो सांस के विशुद्ध क्षीर में तेरा विलास हो शब्द के वितान पर अर्थ का प्रकाश हो शब्द के वितान पर अर्थ का प्रकाश हो। जय हो शक्ति भगवती अग्निवत मधुमती वाद भी नहीं रहे विवाद भी नहीं रहे। एक प्रार्थना उस भगवती तक पहुंचाने का प्रयास करती हूँ और ये प्रार्थना अगर आपके मन की प्रार्थना हो तो फिर सूचित कीजिएगा। मैं वंदना का अंतिम बंध पढ़ रही हूँ, मंच से भी आशीर्वाद चाहती हूँ, सुनिएगा। कि वाद भी नहीं रहे विवाद भी नहीं रहे वाद भी नहीं रहे विवाद भी नहीं रहे नाद में निनाद में विषाद भी नहीं रहे। उर में हो छवि तेरी तेरा उच्छ्वास हो उर में हो छवि तेरी तेरा उच्छ्वास हो शब्द के वितान पर अर्थ का प्रकाश हो शब्द के वितान पर अर्थ का प्रकाश हो। जय हो शक्ति भगवती अग्निवत मधुमती सर्वशक्त स्वामिनी रसवती सरस्वती रसवती सरस्वती रसवती सरस्वती रसवती। बहुत हिंदी कविता का चमत्कार है। मैं जिस पहले कवि को आमंत्रित कर रहा हूँ उसकी बरसात में आप डूब जाएंगे।
बशर्ते कि आप वैसा मन लगाएं कि आप उसकी छोटी बातों पर, सहज युक्तियों पर, लोक भाषा के सौंदर्य पर मुग्ध। मैं करूंगा सीधी सीधी बात, हो सके संवारूंगा ये काव्य मई शाम है। 40 इंची पेट और 90 किलो वेट मेरा, धीरे धीरे बरसूंगा बादल में रोना। अच्छे लोग आपको पता है, जिसका पेट 40 इंची हो, वेट 90 किलो हो, उसका बाप भी जोरदार नहीं बरस सकता। वो जोरदार बरसने की कोशिश करे तो हापू धापू हो जाए। हापू धापू, डू यू नो वॉट इज हापू धापू? हापू धापू मतलब ऑटोमेटिक कपाल भाती। डॉक्टर साहब मेरे गुरु है, ये मेरा सौभाग्य है। इन्होंने बहुत कोशिश की मुझे पढ़ाने की, पर ये असफल रहे। दोस्तों, मोटा होना एक क्रिया की प्रतिक्रिया है। अच्छा। भोजन क्रिया को जम के करो तो शरीर इस तरह प्रतिक्रिया देगा। मेरी घरवाली भी बहुत देती है प्रतिक्रिया। सहजता में डॉक्टर साहब एक दिन मुझे पूछ लिया, आपका नाम बादल है, आप अच्छे कवि हो, डॉक्टर कुमार विश्वास के चले हो, लोगों को हंसाते हो, मस्त रहते हो। मेरा दावा है, मुझे नहीं कहना चाहिए, पर 100 वर्ष पूरे होंगे तो निश्चित रूप से स्वर्ग में जाओगे। बताओ आपको स्वर्ग में क्या मिलेगा? मैंने कहा मुझे अप्सरा। सहजता में बोली, मैं भी आपकी पत्नी हूँ, 6-6 दिन 7-7 दिन बाहर से रोते फिर के आते हो, अटेची में से सड़े सड़े मोजे निकालती हूँ, पूरी सेवा करती हूँ, तो मिलेगा तो मुझे भी स्वर्ग। पतिदेव बताइए मुझे स्वर्ग में क्या मिलेगा? मैंने कहा तुझे थन बांध रो, तुझे बंदर मिलेगा। उसने बहुत सहजता में क्या, ये विधाता का कितना बड़ा अन्याय है, आपको यहां भी अप्सरा। बड़ा अच्छा सुनते हैं आप लोग। मेरे इस 90 किलो के शरीर में मैं पहले मूछे रखता था। अच्छा। डॉक्टर साहब मूछे रखता तो मैं ऐसी रखता, लोग देखते चक्कर में पड़ते कि ये मूछ है कि पूछ है, और पूछ है तो इधर नॉर्थ में कैसे, वो तो साउथ का आइटम होता है। मेरी मूछे सबको अच्छी लगती, मेरी घरवाली को नहीं लगती। सुधा जी कटाओ, मैंने कहा नहीं कटाऊ। ये हमारा आइडेंटिटी कार्ड होता है, ये हमारा आइडेंटिटी कार्ड होता है। मूछ रख ले तो लगता है मर्द आ रहा है, भले ही टेक्निकल फॉल्ट हो। बहुत कोशिश करी मैंने, मुझे नहीं कटाई। एक दिन मैं बाहर से आया तो मेरी घरवाली छाती कूट रही, 2-3 काकी जी इधर बैठे, 2-3 भाभी जी इधर बैठे। मैंने पूछा भाभी जी क्या हुआ? एक भाभी बोली, बादल जी लाडी का शरीर में बेरुजी आ गया। अच्छा। बेरुजी महाराज बतायो कि मूछा काटो और लाडी की चोटी के बांधो। मैं तो सीधा सा आदमी, इकलौती लुगाई कौन मरने दे, मुझे काटी और दे दी, भगवान जाने चोटी के बांधी नहीं बांधी, बुद्धि भी अच्छी हो। अच्छा। सुबह जल्दी 4 बजे उठी और चक्की पीसते हुए गीत शुरू किया। और मन कैसी जाल रचाई, मारा पिया जी की मूछ कटाई। और मन कैसी जाल रचाई, मारा पिया जी की। और मैंने कहा जाल, जाल यानी चीटिंग, और चीटिंग विद माटी, इट इज नॉट अफोर्डेबल। चुपचाप उठा, 4 किलोमीटर दूर मेरा ससुराल, जाके ससुर जी की साकल खटकाई। मेरा ससुर बोला, रे जवाई जी क्या हुआ? मैं बोलियो थाकी बेटी का शरीर में भेरू जी नाच आ गया। भेरू महाराज बतायो के बेटी ने जीवती चाहो तो चकलोडी हो जाओ। सासू जी ने सपा चट, तीनू साला चकलोडी, तीना की लुगाया सपा चट। सूर्योदय पहलिया भेरुनाथ ने धोको तो यो थकी बेटी ने बचावा को मोको। 3 बेटों में इकलौती बेटी कौन मरने दे साहब? 5 मिनट में डोकरे ने डोकरी को साफ कर दी, 3 सालों ने अपने अपनी लुगाइयों को साफ कर दी। मेरे कहा कदवाइज खड़े हो जाओ, भेरु महाराज की 2 सप्लीमेंट्री कंडीशन और है। एक तो महिलाएं सिर पर घूंघट नहीं रखे, यथासंभव सरसों का तेल लगा। पूर्णिमा की रात चंद्रमा पूरे यौवन पर चमक रहा, ऐसा लगा जैसे तांबे की डेगचियां पड़ी हुई। मैंने कहा बाएं से तेज चल। घर आया,
घरवाली उसी मस्ती में गा रही। और मन कैसी झाल रचाई, मारा पिया जी की मूछ कटाई। मैं बोलियो बाहर आ मेरी लुगाई, टकला की फौजा आई। इसका जवाब पत्थर से देने वाले हैं। मैं गीत सुनाना चाहता हूँ, वो गीत आप भी पहली बार सुन रहे हैं। मेरा बहुत अच्छा गीत है वो। जी जी आ गया, लेकिन ये गीत मैं अभी नहीं सुनूंगा, इससे अच्छा याद है ना मुझे। ये तो हमारी एक सेटिंग थी, ये दुग्गड़ साहब के सुपुत्र है, इनको मैंने कहा था मैं जब मेरी दो बातें हो जाए तो लाके मुझे स्लिप देना। ये तो हमारा मैच फिक्स था, सेटिंग थी। सेटिंग आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं ना, वो वाली नहीं, दूसरी वाली। सेटिंग का मतलब तालमेल होता है। एक बार एक शादी समारोह हो रहा था, दो पंडित लाडा लाडी फेरे चल रहे, मंत्रोच्चार हो रहे। पहला पंडित बोला ओम गणपति ओम ताणम व्यायाम शांति रेदी ओम घी चोरो करवा मैं चोर ले। अगले ने वो मिट्टी का लोटा उठाया ओम बोर गो स्व चोर लियो आधा किलो घी चुरा कर लाडी की ओट में रख दिया। इस पूरे दृश्य को एक प्राकृतिक पत्रकार जिसे हम नायण कहते हैं, नायण बोले तो जोगेंद्र की घरवाली नेचुरल रिपोर्टर सामाजिक संवाददाता, जैसे घी चुराते हुए देखा तो उसने रागात्मक अखबार निकाला। करवा मैं घी चोरियो ये लाड़ी, करवा मैं घी चोरियो ये लाड़ी, पड़ियो थारी ओटोराज। जिस पन खेलने में खाने में गुजर गया जवानी, गुजर गई जिंदगी बनाने में। ये कीड़ा है इनकी। बचपन खेलने में खाने में गुजर गया जवानी, गुजर गई जिंदगी बनाने में। आटा दाल चीनी की चपड़ चूमे चकरा के, दिन में तारे दिख गए घर को चलाने में। किस जिम्मेदार ओला तूने घर को संभाल लिया, मजा आ रहा है बाल काले करवाने में। इधर ये लक्ष्मी दिन में तीन बार बोलती है, लगी रहती है पोते पोतियां खिलाने में। मतलब बेचारे से डोगरी भी ढंग से बात नहीं करती, डोगरी भी केवल दिन में तीन बार बात करती। ए वो खाली पेट वाली गोली ले ली, फीकी चाय बना दू, वह ज्यादा टीवी मध्य को आंखें दूंगी। केवल तीन डायलॉग बोलती तब वो मेरा आदर्श, मेरे गीत का हीरो, मेरा आइडियल। 70 वर्षीय मेरे गीत का हीरो अपनी 63 वर्षीय हीरोइन से कहते अपनी ड्यूटी, परिस्थितियां सब अनुकूल है। बहु पार्लर गई है बाबू गयो है अपनी ड्यूटी, बच्चा पढ़वा गया शाम तक होगी वन छुट्टी। 4 बजे तक नाई बजे ली दरवाजा पे घंटी, मन में वीरू जाग रियो है था मैं देख बसंती। मन में वीरू जाग रियो है था मैं देख बसंती। थोड़ी सर की मूरत है बेटा, ये सीटी रहने दे ना, ये मतलब थोड़ा सा मुझे हर्ट करती है, बाकी किसी और प्रोग्राम में बजा लेना। कवि सम्मेलन है चारणों की पितृभूमि में है, माता करणी के पास है, नोखा में है, तो इसकी मर्यादा रख, बाकी किसी मेले में मिलेंगे तो वहाँ बजा लेना, नोखा का तो छोड़ ही देते हैं। कि कोई पत्थर की मूरत है, किसी पत्थर में मूरत है। बस वहाँ करिए अच्छे से, मैं जानता हूँ आप थक गए हैं, बहुत थक गए हैं, 4 घंटे से कविता सुन रहे हैं। हिंदुस्तान में 600 करोड़ रुपए का कूड़ा बनता है, 2 घंटे का उसे आप थक जाते हैं देखते हुए, बीच में मोबाइल देखने लगते हैं। ये केवल हिंदी की कविता का चमत्कार है कि ये मेरे छोटे भाई जो पीछे खड़े हुए हैं, 5 घंटा हो गया है लेकिन तब तक खड़े हुए हैं, ये हिंदी की कविता का चमत्कार। आप थके हैं, उबे हैं, मैं बहुत समय बाद आया हूँ, फिर मुझे पता नहीं मैं कब आऊँगा, इसलिए जितना समय हो सके आप मन से सुन लीजिए, बस मुझे थोड़ा ऊर्जा दीजिए। ऐसा सोचिए जैसे कवि सम्मेलन अभी शुरू हुआ है। कि कोई पत्थर की मूरत है, किसी पत्थर में मूरत है। लो हमने देख ली दुनिया जो इतनी खूबसूरत है।
पीछे वालों, स्क्रीन देखने वालों, मैं जानता हूं तुम स्क्रीन देख रहे हो लेकिन तुम्हारी तालियां मुझे दिखाई देंगी। लो हमने देख ली दुनिया जो इतनी खूबसूरत है। मैंने ये मुक्तक ही क्यों चुना, मंच के मेरे साथी कवि अनुज ये सब समझे कि यही क्यों चुना, क्योंकि रात के इतने बजे जब दो बजने जा रहे हैं, आप बचे हैं और मैं बचा हूं, मेरा आपका संबंध क्या है, दो पंक्ति में पढ़ रहा हूं। जय जय। लो हमने देख ली दुनिया जो इतनी खूबसूरत है, जमाना अपनी समझे पर मुझे अपनी खबर ये है। अब कार्यक्रम शुरू कर देना अगली पंक्ति में मेरा आपका रिलेशन। जमाना अपनी समझे पर मुझे अपनी खबर ये है, तुझे मेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत, तुझे मेरी जरूरत है। दूर कैसा तुमसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। वाह वाह, तुम कहाँ चले, मुझे लगा कि इसको कहते हैं मेरी अगली पंक्तियों पर सबके हाथ उठे हों। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है, जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे अजय। देखिए ये अकेला जगह है, अरे तू आया बाहर से बंबई से, तुझे बताऊं मैं, तुम दोनों लखनऊ, हाँ एनर्जी लगाता है। अब आज एक ने मेरा दुपट्टा पहन रखा, एक ने कुर्ता पजामा पहन रखा है। अब वो मुझसे पूछ रही थी कि सर आपने सबको कपड़े दिए, बताओ भाई मैं ही ऐसा दानी हो गया हूँ हर्षवर्धन। चार पंक्तियाँ सुनिए, तू उसका भाई है बेटा, तू देखने गया है कि वो कहाँ गया है। इसे कहते हैं बचपन से ही उत्तरदायित्व, बहुत अच्छे। मेरे को कोई कष्ट नहीं, जाते रहो आते रहो, मेरा क्या पेमेंट हो चुका है। सुनिएगा चार पंक्तियां सुनिएगा, कि समंदर पीर वो बेटा लाला फिर जाएगा, तू नीचे बैठ जा, तेरे चक्कर में पीछे दिखाई नहीं दे रहा है, एक बार सेट करके बैठ जा, है ना, एक जगह सेट कर दे बस बैठ जा, जो आदमी तुझे अच्छा लगे उस पर सेट कर, जिस पे तेरा मन आ रहा हो, बहुत अच्छा, रात भर खड़ा रहा है एसी पे, है देखो आप कितनी तपस्या का काम है, तेरे ब्याह में किसने किया था ये वाला काम, जब खुद ही फेरे लेके उसके पीछे चला जाता था। थोड़ा सा डिस्टर्ब होते, बैठ जा आराम से, निवेदन के समंदर पीर का एक पंक्ति नहीं सुनाई है मैंने अभी तक, मैं मुझे पता है लोग तो कहेंगे सुना रहा है इतनी देर से, नहीं, जिस समय मुझे पता चलेगा कि अब बचे हैं 24 कैरेट सुनने वाले, अब केवल तीन तरह के लोग इस कवि सम्मेलन में बचे हैं, पहले तो वो जो दूसरे की मोटरसाइकिल पर बैठ के आए, वो जाए तो हम बैठे, दूसरे वो जो आसपास से आए जिनको लग रहा है कि दो बजे या बस ही नहीं मिलेगी, और तीसरे वो जो शुद्ध कविता सुनने के लिए बैठे हुए जिनको कार्यक्रम सुनना है कविता सुनना है। कहाँ है जवान लड़के, जरा मुझे बताएं इस बार, तो इतने से जवान है क्या यार, तुम तो बिल्कुल ही जवान नहीं बोल रहे, बाबा इसकी भी गोली देते हैं। इस अधूरी जवानी का क्या फायदा, आज सबसे अच्छा पता है क्या है, कोई मंत्री नहीं आया, विधायक नहीं आया, वरना बोलते समय और कवियों को दिक्कत रहती है, हाल ये हो गया है बुद्धि, जयपुर में एक विधायक जी रात्रि में कहीं गए थे ऐसी जगह जहां बता नहीं सकते थे, तो जींस टी शर्ट में लौट रहे थे, तो झुटपुटा देख के मानसरोवर के पास एक उठाई गिरे ने पीछे कट्टा लगा दिया, बोले पैसे निकाल, तो विधायक जी बोले अबे मैं विधायक हूँ, तो चोर बोला फिर हमारे निकाल। कोई दिक्कत नहीं, तो अच्छा किया कि आपने नहीं बुलाया, के इस अधूरी जवानी का क्या फायदा, गाओ मेरे साथ, कान से मत सुनो दिल से सुनो, ताकि अगले 5 साल तक फिर याद रहूं, के इस अधूरी जवानी का क्या फायदा, बिन
कथानक कहानी का जिसमें धुल कर नजर भी न पावन बने। कितने लोगों को याद है जबकि मैं तो तब तेरे लिखी भी नहीं थी 5 साल पहले, सबको याद है जरा बताना। जिसमें धुल कर नजर भी न पावन बने आंख में ऐसे पानी का क्या फायदा, आंख में ऐसे पानी का क्या फायदा। अच्छा यहाँ चुनाव चल रहे हैं, चुनाव आने वाले हैं, इसी को पॉलिटिकल करके चला देंगे इसी मुक्त को।